सागर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज ने भव्य रैली निकाली, जिसमें इंडोरामा सतनाला खेड़ा और अकोलिया पीथमपुर से होते हुए टंटिया मामा कर्म स्थली पाताल पानी पर समापन किया। रैली का स्वागत पीथमपुर सागर में जगह जगह फूलों से किया गया। रैली पीथमपुर जय संगठन के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। भीम आर्मी कार्यकर्ता और गोंडवाना गणतंत्र संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या कार्यक्रम था आज? सर आज विश्व इंडोजीनियस डे, मूल निवासी दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया। उसी प्रकार पीथमपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी हमारे आदिवासी समाज के एससी एसटी ओबीसी समाज ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रैलियां निकाली, हर्षोल्लास करा और वैचारिक संगोष्ठियां भी हुई, ताकि हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है हमें कैसे मिलने चाहिए, हमारे समाज की जो दशा और दिशा है उसको सुधारने का प्रयास करा। समाज के जो लोग हैं उनको आपसी मतभेद बुटा के एक अच्छा काम करना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए, ऐसा काम आज संकल्प लिया है कि ताकि समाज में मतभेद भुला के जो नशा है, जो हमारे युवा लोग नशे की गत में डूबे हुए हैं, उनको दूर निकाल के शिक्षा की ओर, रोजगार की ओर निकालना हमारा प्रयास है। और आज इस शुभ अवसर पर यही संकल्प लिया गया है कि आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, विश्व इंडोजेनियस दिवस के रूप में मनाते हैं, आज वास्तविक इसको भारत विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है, इस प्रकार हम ये दिवस मना रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आज विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपका नाम और पत्र? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर से। जय सेवा, जोहार, जय भीम, जय संविधान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।